जी। नहीं वेल, कल का जो नज़ारा था वो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। एंड थैंक्स टू अनिल जी, जो कि बहुत ही ग्रेट इंसान है, अनिल कपूर साहब। और उन्होंने मुझे एक महीने पहले ही, डेढ़ महीने पहले उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे फंक्शन है और आपको आना है। तो मैंने उनको कोई डिमांड नहीं करी, कोई नखरा नहीं करा, मैंने कहा आप सिर्फ डेट बोलो, मैं वहाँ पर हाज़िर हो जाऊँगा। एंड ही वॉज सो स्वीट, जैसे कि बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे ब्रदर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, एंड बहुत अच्छे फादर भी हैं, एंड बहुत ही अच्छे होस्ट हैं। तो कल की जो पार्टी थी वो इतनी बढ़िया थी, एंड मैं स्टेज पे था ही, देन शाहरुख भाई आ गए, फिर उन्होंने बहुत रौनकें लगाई उनके अंदाज़ में, देन सलमान भाई आ गए। एंड बहुत रेयर होता है कि दोनों बड़े दिग्गज हैं, दोनों बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनको एक साथ इकट्ठे करना, उनको एक साथ नचाना, ध्यान में रख के किसका क्या गाना गाना। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू एक घंटा वो स्टेज पे ही थे। देन मेरे तीन छोटे छोटे पागल भाई हैं, जिनमें से वरुण है, अर्जुन है, देन रणबीर सिंह, उन्होंने तो बहुत मस्ती करी। सो सारी उम्र ये पार्टी मुझे याद रहेगी। एंड ऑलमोस्ट आई गेस मैंने 2.5 आवर्स वहाँ पे गाया था कंटिन्यूसली, एंड उससे पहले भी मैं बैक टू बैक शोज कर रहा हूँ, फिर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो बहुत हमने इन्जॉय करा। सो माई बेस्ट विशेज टू सोनम कपूर एंड अनंत जी को, विशिंग यू बोथ अ हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड बोथ वर लुकिंग फैंटास्टिक। जी अभी तो इसको पहले हिंदी सिखानी पड़ेगी, बिकॉज नहीं तो फिर जहाँ भी जाएगी तो उसको, अगर मुंबई में शिफ्ट होना तो खीरा टमाटर बोलना आना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्यूकम्बर टोमेटो करती रहेगी, तो कांदा बटाटा बड़ा पाव खाना पड़ेगा। सो बट बहुत अच्छी लर्नर है, बहुत ही, बिकॉज टैलेंट तो है ही है एट द एंड, आवाज़ अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है। सो यही चीज़ें एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए, बाकी तो हम सिर्फ पुश करेंगे और प्रमोट करेंगे। एंड जब से इसने ज्वाइन करा, शी हैज़ डन ऑलमोस्ट 5 to 10 शोज, तो इसने हमारे साथ कर ही लिए। सो मेरा यही टारगेट होता है कि हम लॉन्च करने से पहले हम हर आर्टिस्ट को अपने साथ परफॉर्म करवाते हैं, फिर उसके बाद हम लॉन्च करते हैं। ये नहीं कि सीधा लॉन्च कर दिया, बाद में उसको पता नहीं चलता कि मैं मुझे करना क्या है। तो ऑलमोस्ट हमारे 10-15-20 शोज होते हैं न्यू कमर्स के साथ, उसके बाद हम उस आर्टिस्ट को लॉन्च करते हैं, ताकि उसको सिंगिंग और परफॉर्मेंस आनी बहुत ज़रूरी है। जी सलमान भाई तो एंड है यार, इतने मतलब हैंडसम पर्सनैलिटी हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, और उनको जब वो गाते हैं यार तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो कल उन्होंने मुझे गाना नहीं दिया, उन्होंने सारे गाने खुद ही गाए हैं, माइक छीन छीन के गाए गाने मेरे। तो आई गेस उनको ज़रूरत नहीं यार, राजा आदमी है, ही इज़ द रियल किंग। आई गेस किसी ज़माने में किंग के पास इतनी गर्लफ्रेंड्स होती थी, तो आज सलमान भाई का तो ज़रूरत नहीं है उनको, तो हर लड़की चाहती कि उनके साथ शादी हो जाए। सो माई बेस्ट विशेज टू माई ब्रदर कि यार जल्दी उनको एक अच्छी खूबसूरत भाभी मिले और वो शादी करें। थैंक यू जी। बस मैं आप सभी का सपोर्ट चाहता हूँ, बिकॉज जैसे हम हर बार नए आर्टिस्ट को लेके आते हैं, एंड आई एम श्योर कि हमारा ये आपके साथ दोस्ती जो है ये मेल जोल बढ़ता रहेगा, भगवान करके हम हर हफ्ते ही मिलते रहें आपके साथ। और बस जैसे मैं न्यू कमर्स को लेके आ रहा हूँ, तो आप हमें सपोर्ट करते रहें। मैं चाहूँगा एक बार वीडियो फिर आप प्ले कर दें, तो जो कुछ लोग अभी आए हैं वो भी देख लेंगे। यार ये ऊपर वाली लाइट्स ऑफ हो सकती है। सो मेन जो गाना हम लॉन्च करेंगे वो 16th को करेंगे, 16th ऑफ मे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, लव यू ऑल, थैंक यू। Yeah.